अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी, अभी मैं जा रही थी अरूष को स्कूल छोड़ तो मैं आई थी, अभी लेने जा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और सूरज तो मेरे सर पर होता है जाते हुए भी और आते हुए भी, क्योंकि आफ्टरनून क्लासेस हैं तो इसलिए गर्मी में जाना होता है, गर्मी में ही आना होता है। और आजकल वैसे भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ जी, फिर जा रही थी स्कूल लेने, तो चलो भाई मैंने कहा प्लेन की भी वीडियो बना ही लेती हूँ। और सूरज देखे मेरे साथ साथ मेरे सर पर ही होगा और मुझे वहाँ स्कूल तक मेरे पीछा करेगा, इतनी गर्मी है कि मेरा पीछा जुड़ा। मैं बस ये दुआ करती एक बादल का टुकड़ा सूरज के ऊपर आके खड़ा हो जाए। पर वैसे मुझे गर्मी इतनी कोई खास पसंद नहीं है, ना मुझे पाकिस्तान में थी जब मुझे अच्छी लगती थी, ना ही यहाँ पर। और आइसक्रीम वाले अंकल थे रोज़ ही अरूष के स्कूल के बाहर खड़े थे, और अब अरूष के लिए हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। और ये तो अब रोज़ का काम हो गया ना, जब तक गर्मी है। जब हाँ जी, आइसक्रीम लेने का एक फ़ायदा होता है कि आराम से बैठ के खा लेती है, और फिर आते जाते ना कोई भी शॉप वगैरह से कोई भी चीज़ देख के मांगती नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक आइसक्रीम से एक काम चल जाता है और एक घर तक खाती हो जाएगी। हाँ जी, घर पहुंचने के बाद अरूष ने कपड़े चेंज किए और क्या खाना खाया, और अब मैं खाना खा रही हूँ। तो अब मैं बस मैंने ये बनाई थी सोया की सब्ज़ी। सोया यहाँ पर ना पैकेट में मिलता है सोया, अब ये मुझे नहीं पता सोया होता है क्या, पर मुझे भी यहाँ पर किसी ने ना खिलाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं जॉब करती थी। तो तब से फिर मैं ना ये पैकेट में होता है, छोटा छोटा सा भी होता है और बड़े साइज में भी होता है, तो ये जब बनाओ ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल कीमे जैसा आता है, तो बहुत मज़े का लगता है खाने में। तो फिर बस वो मैंने बनाया था और मैं बस खाना खाने लगी थी और बच्चों ने खा लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे फ्रूट वॉश करने थे, तो मैं फ्रूट वॉश करने लगी, तो मैंने कहा वॉश कर लूँ क्योंकि गर्मी है तो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी एक दिन पहले ही लेकर आए थे तो मैं वॉश करना भूल गई थी, तो मैंने कहा आज मैं वॉश करके रखूँ तो ताकि बच्चे खाएँ। तो अब फ्रूट वॉश करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग नहीं सब खाएँगे मिलकर। हाँ जी, ब्लूबेरी मैं लाई थी और ये ऑफ़र पे लगे थे, दो पैकेट मैं लेकर आ गई थी। ब्लूबेरी ऑफ़र पे दो पैकेट ही मिल रहे थे तो मैं दो ले आई, और स्ट्रॉबेरी भी क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो इसी में वॉश कर लेती हूँ, एक तीसरे दो शिकार हो जाएंगे। और उसके अलावा ये क्रेप्स वगैरह लाई हूँ, और एप्पल वगैरह तो मैं वैसे ही पहले रख देती हूँ, जब खाना होता तब वॉश कर लेते हैं। बाकी ये जो ख़राब होने वाली चीज़ होती है ना फ्रूट वगैरह, वो मैं वॉश करके रख देती हूँ ताकि डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ ताकि बच्चे आते जाते खाना स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बस मैंने रेस्ट किया, उसके बाद हस्बैंड आए तो फिर हम लोग चले गए। हाँ जी, हम लोग जा रहे थे होम बार्गिन से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो ऐसी बात है कुछ चीज़ें लेने ही जा रहे थे। वैसे तो हम घूमने फिरने होम बार्गिन जाते नहीं है, तो हैंड वॉश वगैरह लेने थे तो वो तो हमें मिले नहीं, हम लोग वैसे गए फजूल हो गए ना जाना, क्योंकि हैंड वॉश कोई पड़ा ही नहीं था, कुछ भी नहीं पड़ता, पता नहीं कहाँ गायब हो गया सारा सामान। तो फिर हमें फिर वैसे ही वापस आ गए, तो तीन चार दिन में फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। और अरूष को ये मैंने बेल्ट में बांधा है क्योंकि ये बहुत भागती है, तो इसलिए हम लोग इसको ना बेल्ट लगा के रखते हैं क्योंकि ये हाथ बहुत मुश्किल से पकड़ती है, तो इसलिए अभी ये बड़ी भी हो गई है। पुशचेयर में बिठाती हूँ पर बहुत कम बिठाती हूँ क्योंकि स्कूल छोड़ने जाती है, स्कूल दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इसलिए फिर स्कूल मुझे उसी में बिठाने लेके जाना पड़ता है क्योंकि मैंने कहा थक जाएगी चलते हुए। तो यहाँ अभी हम लोग इसको अभी थोड़ी सी अभी आदत डाल रहे हैं थोड़े चलने फिरने की, ताकि ये चले और नेक्स्ट ईयर तो इंशाल्लाह ये वॉक करके ही जाएगी, तो इसलिए इसको अभी से ही ट्रेन कर रहे हैं चलने के लिए कि ज़्यादा वॉक करे। तो बस हमने यहाँ से अरूष को टॉयलेट लाजमी लेना होता है हर बार, तो अभी बस हम चेक कर रहे थे कुछ और भी चीज़ें कि अगर कुछ नई चीज़ें आई हों तो ले लें, तो हमें कोई इतना ख़ास मिला नहीं अभी कुछ। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग आ गए थे टीके मैक्स, और यहाँ से हमें लेने थे परफ्यूम, तो परफ्यूम हमें नहीं मिले। मैंने कहा था ऑफ़र लगी होगी तो मैं ले लूँगी कुछ परफ्यूम, तो नहीं, हमें नहीं मिले परफ्यूम्स, और यहाँ बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम लगे हुए थे। तो हमने कहा चलो हम ऑफ़र की वेट कर लेंगे, जब ऑफ़र लगेगी तो हम ले लेंगे, हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो फिर यहाँ से फिर मैंने सीरम वगैरह लिया और मुझे अच्छे सीरम अच्छे मिल गया था, तो मैंने दो लेकर गई थी यहाँ से सीरम। और उसके अलावा बस कुछ देखा था पर कोई इतना ख़ास कुछ मिला नहीं। और वैसे भी हम लोग परफ्यूम लेने गए थे, तो मैंने कहा चलो अब परफ्यूम नहीं मिले तो थोड़ा आसपास झांक ही लें, तो हो सकता है हमें कोई चीज़ अच्छी चीज़ कोई और मिल जाए, पर नहीं मिली। और उसके बाद फिर हम लोग
ठीक है, मैं इसके सामने ही जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर हम लोग आ गए खाना खाने नहीं खाना लेने के लिए। हमने कहा लेकर घर जाएंगे क्योंकि इशाल और शायान का कुरान का टाइम हो रहा था तो उनका क्लास थी, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी बस खाना लिया और जिसने जो खाना था वो अपनी मर्ज़ी से ले लिया और उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और घर आ गए। हाँ जी, दिन में तो बहुत गर्मी थी पर शाम हुई तो ठंड हो गई थी, तो अरुष को फिर मैंने जैकेट पहना दी। तो बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे और इसके अलावा बस और कुछ नहीं था। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।